मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। मुलायम सिंह यादव का ये भाषण शेयर करते हुए मोदी समर्थक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुलायम सिंह यादव पीएम मोदी को कितना पसंद करते थे। फिल्मकार अशोक पंडित जैसे कई समर्थकों ने ये भाषण शेयर किया और दिखाया कि देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी थी। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गए। ये हमारी इच्छा है, तो ये शुभकामना। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। लेकिन हकीकत ये है कि 2019 चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक मर्यादा का उदाहरण देते हुए सभी सांसदों और प्रधानमंत्री को दोबारा रिपीट करने के लिए औपचारिकता वाली शुभकामनाएं दी थी। विचारधारा के तौर पर मुलायम सिंह यादव बीजेपी का खुलकर विरोध करते थे। मुलायम सिंह यादव के अनेकों ऐसे भाषण हैं जब उन्होंने संसद में धर्म की राजनीति और नौकरियों के मुद्दे पर पीएम मोदी की खुलकर आलोचना की थी। जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, अब क्या क्या गिना कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने संसद में यहां तक कह डाला था कि बीजेपी के सांसद भी मोदी सरकार के विकास की नीतियों से दुखी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो, बीजेपी के लोग दुखी हैं। नाम नहीं लेंगे ना, हम अकेले बता देंगे, इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग। जब मुलायम सिंह यादव के निधन पर ज्यादातर पार्टियों के समर्थक और नेता उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं तो मोदी समर्थकों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिल्मकार अशोक पंडित जैसे समर्थकों को समझना चाहिए कि किसी का निधन राजनीतिक प्रचार करने का अवसर नहीं होता।